हेलो एम एस सी वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे ओके तो देखिए यूनिट चल रही थी आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफ्लिक सब रिएक्शन लेक्चर सेवंथ पे हम पहुंच चुके हैं जिसपे आज हमने बात करनी है गटरमैन कॉच रिएक्शन जो कि एक टाइप की नेमिंग रिएक्शन है ओके तो बहुत सिंपल रिएक्शन है आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस पे पढ़ चुके हैं बट मैं इसे बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी ओके तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को तो देखिए सिंपली आप पहले ये चीज बताइए कि गटरमैन कॉच रिएक्शन आप किसके अंदर पढ़ रहे हैं आप कौन सी यूनिट पढ़ रहे आप पढ़ रहे हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफ्लिक सब रिएक्ट

कि वो कौन सा करेंगे Electrophilic substitution reaction, यानि कि ये भी एक की क्या reaction है, जिस पे आप इलेक्ट्रोफाइल का यूज करते हैं अब 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 अगर ये सारी conditions तो मैंने आपको बता दी, अब reaction आप पर्टिकुलरली कहेंगे तो देखिए अगर आपका कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और वो इलेक्ट्रोफ्लिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफ्लिक सब रिएक्शन करा रहा है ओके और उस केस में आपको ऐसा दिखा कि आफ्टर रिएक्शन आपके एरोमेटिक कंपाउंड में फॉरमाइलेशन हो गया फॉर्माइलेशन क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी मैं अभी इतना सुनिए कि अगर आपके एरोमेटिक कंपाउंड में फॉर्माइलेशन हुआ कब जब आपने किसी एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफ्लिक सब रिएक्शन कराई इसी रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे कटरमैन कॉच रिएक्शन कितनी सिंपल सी बात है क्योंकि आप किसके अंदर पढ़ा है वो चीजों को माइंड पर रखा कीजिए

को कुछ नई चीज नहीं मिले मतलब कुछ हुआ नहीं वहां पर को सिर्फ क्या हुआ फॉर्माइलेशन हुआ आपके एरोमेटिक कंपाउंड में यानी कि आपका एरोमेटिक कंपाउंड में कोई फॉर्माइल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो गया तो इसी रिएक्शन को आप बोलेंगे गटरमैन कॉच रिएक्शन कितनी इजी सी बात है ओके okay? तो देखो मैं आपको यहाँ पर को सिंपली इसका डेफिनेशन रिक्वायरमेंट देखो आप कुछ ना कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है तो कुछ रिएक्शन कंडीशन तो जरूरी है ना वो होनी चाहिए तो वो सारी चीजें बताती हूँ क्या है देन हम लोग रिएक्शन देखेंगे एंड देन मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए चलेंगे ओके तो देखो डेफिनेशन भी यही बोल रहा है कि गटरमैन कॉच रिएक्शन क्या होती है ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा

एल होना चाहिए और एक और चीज है वो है आपकी प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस भी होनी चाहिए तो सिंपल सी बात है किस किस की प्रेजेंस सी ओ एस एल और ए एल सी एल थ्री तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी गटरमैन कॉच रिएक्शन बहुत सिंपल है अगले केस में एक और चीज यहाँ पर मैंने एड की है तो देखो मैंने अभी आपको बोला कि अगर ये सारी कंडीशन अगर आप किसी एरोमेटिक कंपाउंड में कराएंगे तो इसी को बोलेंगे गटरमैन कॉच ओके जो अभी मैंने आपको बोली ओके बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड उठा के ये सारी कंडीशन अप्लाई करा के उसमें फॉर्माइलेशन देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि बहुत ही कम एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्माइलेशन पॉसिबल होता है यानी कि वही चीज यहां पर को लिखा है कि ये जो आपकी गटरमैन कॉच रिएक्शन है जिसमें आप अपने एरोमेटिक कंपाउंड में फॉर्मायलेशन कर रहे हैं वो जनरली लिमिटेड होता है तो आप

कि अगर आप ये रिएक्शन तो करा रहे हैं और रिएक्शन में अगर आप प्रेशर की बात करेंगे अगर आप ये रिएक्शन को एटमोस्फेरिक प्रेशर पे प्रोसीड करा रहे हैं ओके तो उस केस में आपको एक और रिएजेंट का यूज लेना होता है वो है आपका क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि सी यू सी एल ओके तो क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्या क्लो क्यूप्रस क्यू, क्यू, क्लोराइड या बोलो कॉपर क्लोराइड दोनों सेम ही चीज है तो आपको क्या अगर आपने रिएक्शन को एटमोस्पेयरिक प्रेशर पर तो उस केस में आपको कॉपर क्लोराइड सी का भी प्रेजेंस लेनी होती है अदरवाइज अगर आप रिएक्शन को हाई प्रेशर पर करा दे जैसे आपकी 150 120 ATM के प्रेशर पर आपने रिएक्शन को कराया उस केस में कॉपर क्लोराइड या फिर आप बोल सकते हैं क्यूप्रस क्लोराइड की कोई भी नीट नहीं होती है ओके okay? तो ये सिंपल से पॉइंट है आपके गटरमैन कॉच रिएक्शन के लिए अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन एंड देन इसकी मैकेनिज्म ओके तो रिएक्शन वही बोल रहा है आपके पास पासीन है

फॉर्माइल मतलब आपका कौन सा ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप ओके क्लोराइड मतलब इसमें एक सीएल ग्रुप भी यहाँ पर को ऐड है तो ये बन गया फॉर्माइल क्लोराइड ओके अब देखो फॉर्माइल क्लोराइड कैसे बना आपकी जो रिएक्शन कंडीशन थी कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका जो एस सी एल दोनों आपने ली थी इन दोनों को आपने इस स्टेप में रिएक्ट कराना और आपको फाइनली क्या फॉर्माइल क्लोराइड मिल जाएगी तो तभी तो हमने ये दो कंडीशन ली ओके okay? तो देखो अब हम लोग कराते हैं रिएक्शन देखो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करे हुए होता है तो मैं इंक चेंज करके दिखाती हूँ आपको

सिमिलरली आपको बताइए कि कार्बन के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज कभी अच्छा लगता है बिल्कुल नहीं क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है ये चाहता है मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगना है तो लगे अदरवाइज नेगेटिव चार्ज तुम तो बिल्कुल मत लगो ओके okay, ऐसा कुछ होता है ओके okay? अब आप बताइए पर को दोनों के केस में उल्टा है कार्बन के ऊपर लगा है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज तो ऑब्वियस सी बात है ये तुरंत रिएक्शन करके अपने ऊपर से चार्ज को हटाना चाहेंगे अब आप बताइए ये भी रिएक्शन कराना चाहता है ये भी रिएक्शन कराना चाहता है बट आप रिएक्शन किससे करवाएंगे कार्बन से या फिर ऑक्सीजन से

होने की वैसे इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज ओके अब क्या हो रहा है आपके पास देखो ऑक्सीजन के ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन पेयर है और आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटाना है तो आप बोल रहे हैं कि चलो हम लोग इसके इसको क्या रिएक्शन में इन्वॉल्व कराते हैं और इसको जैसे रिएक्शन में आप इन्वॉल्व कराएंगे तो क्या करेंगे ऑक्सीजन का बॉन्ड भी तो बनवाएंगे तो ऑक्सीजन जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो इसे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होगा और जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिय हो जाएगी और कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर अगेन एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो बताइए ये और ज्यादा अनस्टेबल नहीं हो जाएगा अगर ये रिएक्शन में इन्वॉल्व

दिखाती हूं वेट कीजिए देखिए ओके okay. तो देखिए यहाँ पर आपने क्या किया आपने इस कार्बन से बोला कि चलो तुम अपने नेगेटिव चार्ज को हटाओ और यहां से आप क्या कर सकते हो सीएल के साथ बॉन्ड नहीं हाइड्रोजन के साथ तो बना ही सकते क्यों अब आप बोलेंगे हाइड्रोजन के साथ क्यों बनाए क्लोरीन के साथ क्यों नहीं बताया तो आप देखिए जब भी हाइड्रोजन और क्लोरिन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे क्योंकि आपने बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा एक बॉन्ड बनाओगे तो दूसरे को तो तोड़ोगे तो यहां पर वो जैसे ही बॉन्ड तोड़ेगा तो मैं आपको क्या बोलती हूँ हमेशा जो बॉन्ड क्लीवेज होती है अगर आप किसी ऐसी रिएक्शन में बॉन्ड क्लीवेज करा रहे जिसमें आपको कार्बो कैडाइन और कार्बो एनाइन एज

सीएल को भी ऐड करा देंगे का का क्या काम खाली रिएक्शन में कि जो रहेंगे अब CL का भी हम लोग यूज कराएंगे कहा सीएल करेगा आपके कार्बन के ऊपर ओके okay. तो सीएल क्या करेगा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो देखो क्या होगा अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन प्यर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है आपके कीजिए कीजिए सीएल को अटैक कराइए सीधे कार्बन के साथ तो कार्बन के साथ जैसे ये अटैक करेगा तो क्या होगा कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही गंदा एलिमेंट है ये क्या करता है नए बॉन्ड मिलते हैं तो पुराने को तोड़ने लगता है ओके तो ये क्या कहेगा? कि ऑक्सीजन चलो देखो तुम्हारे पास तो तु क्या है एक तो पॉजिटिव चार्ज है तुम 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 पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज चार्ज एग्जिस्ट मतलब तुम्हारे ऊपर अच्छा लगता भी नहीं क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट हो ओके तो तुम एक काम करो हम दोनों क्या हमारे बीच में तीन बॉन्डिंग तो है हम इसे दो बॉन्डिंग में कन्वर्ट कर देते हैं एक बॉन्ड को तोड़ देते हैं और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में इन दो इलेक्ट्रॉन को जो पहले बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहे थे इनसे बोलते हैं कि अब तुम नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव

कार्बन बॉन्ड ओ तो सबके सब बैलेंस हो गए कार्बन की वैलेंसी चार ऑक्सीजन के पास चार लोन प्योर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए सी आपका सही है हाइड्रोजन आपका सही है तो यहीं से बना आपका फॉर्माइल क्लोराइड कितना सिंपल स्टेप है ना ओके अगले इस केस में हमने क्या करना है इस फॉर्माइल क्लोराइड के हेल्प से अब हम लोग क्या करेंगे

क्लूफ्लिक नेचर की होती है बिकॉज ऑफ

यानी कि इंटरमीडिएट तो मिलता है जिसे आप बोलते हैं है, बार बार पढ़ाती हुई आ रही हूँ वही लेक्चर्स तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपको आपका जो इंटरमीडिएट है वो एरेनियम आइन भी मिलेगा तो कैसे हुआ पहले मैं आपको बताती हूँ देखिए आपका है ये कार्बोकैड्राइट तो यानी कि, कि कार्बो गाइट्राइड नहीं बोलना चाहिए इससे मुझे बोलना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल ओके ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल ओके तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा डायरेक्टली आपकी बेंजीन बेंजीन रिंग में अटैक करेगा क्योंकि आपको पता है आपकी रिंग एक न्यूक्लोफ्लिक नेचर की है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ओके तो ये न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज तो ऑब्वियसली बात एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो रिंग है ये आपके क्या है डबल बॉन्ड को अटैक करेगी ओके तो सपोज आपके ये पॉजिटिव चार्ज ने बोला कि मैं इस कार्बन पर अटैक कर रही हूं तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगी तो क्या होगा पहले बताइए अटैक कैसे करेगी यहां पर को क्या होगा बॉन्ड सबसे पहले क्या होगा बॉन्ड बॉन्डक्विज और बॉन्ड बॉन्डक्स होने की वजह से मैं अगर यहां से इसे पहले इरेज कर देती हूँ ये आपको घिचिट पिछिट कर रहा है ओके okay? तो देखो सबसे पहले क्या होगा आपका जो ये डबल बॉन्ड था ना यहाँ पर इसका होगा बॉन्ड क्लीविज ओके और आपको क्या है कार्बो कैटाइन बनाए तो कौन सी बॉन्ड बॉन्डक्विज होगी बॉन्ड बॉन्डक्विज तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है आपके एक ही एटम पर शिफ्ट होंगे अब आप बोलेंगे यहाँ तो दोनों कार्बन एटम है मोस्ट इलेक्ट्रिव आप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आप किसको बोलेंगे तो देखिए अगर आपके दोनों आइटम सेम

सी डबल बॉन्ड ओ एच और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां अटैक करेगा यहाँ अटैक करेगा ऑब्वियस यहाँ तो पर को आपका ये बॉन्ड नहीं बनेगा यहां पर से ये क्या है अटैक करेगा इस पोजिशन पे और आपका यहां पर सीएचओ ग्रुप अटैच हो जाएगा ओके और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आइटम भी होगा तो हाइड्रोजन आइटम दिखाया हुआ आपकी मर्जी दिखाना चाहे या फिर स्किप भी कर सकते हो क्योंकि हाइड्रोजन आइटम का इतना अपना कोई रोल नहीं होता ओके अब अगले स्टेप में क्या होगा अब अगले स्टेप में इसका रोल है इसीलिए हमने यहाँ पर को हाइड्रोजन आइटम दिखाया ओके अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि तुम

तो यहां पर को क्या होगा आपने एडिशन तो करा दिया अब आपको सब्च्यूशन कराना है तो आप इस H का सब्च्यूशन कराएंगे अब बताइए कार्बन और हाइड्रोजन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्वियस सी बात है वैसे तो कार्बन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है बट हम लोग अगर कंपेयर करना चाहे तो हाइड्रोजन तो पूरी पीरियोडिक टेबल का क्या होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो आफ्टर क्लिविस कार्बन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा ओके तो यहां आपको एच पॉजिटिव मिला और यहां पर से क्या मिला अगर यहां से H पॉजिटिव बाहर एलिमिनेट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज मिलेगा नेगेटिव चार्ज ओके अब आप देखिए यहां पर को क्या होगा आपका जो H पॉजिटिव बाहर गया था ना ये कंबाइन करेगा AlCl4 देखो पहले आपका पास AlCl3 था हमने इसको एक और क्या दिया था सी दिया था जिसे एएलसीएल फोर में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया था ओके अब आप क्या करेंगे यहां से एक CL को एलिमिनेट कराएंगे क्यों क्योंकि आपको एक मिल गया है एच यहाँ से आपको एच मिला है तो एच और सीएल मिलकर एस सी एल बन जाएंगे और आपका ए एल सी एल थ्री फोर जो है वो अगेन ए एल सी एल थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो दोनों चीजें बैलेंस भी होगी ओके अब अगले स्टेप में क्या होगा ये बाहर की कंडीशन तो समझे अब यहां देखो अब आपने क्या कराना है अब आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज मिल रहा है अब आप क्या करेंगे ऑब्वियस बात है इस कार्बन से क्या करेंगे पॉजिटिव

और यहाँ पे बॉन्ड बना तो इस कार्बन की वैलेंसी अगेन थ्री से किसमें कन्वर्ट होगी फोर तो आपका ये फाइनली बेनजीन में कन्वर्ट हो गया और आपको यहाँ पर को एल्डीहाइड ग्रुप यानी कि बेन्ज मिल गया ओके और आपको ये भी पता है कि जब भी आप क्या है कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड इनिशियली क्या है एरोमेटिसिटी को लॉस करता है यानी कि यहाँ पर कोई ये एंटी एरोमेटिक बनता है एंड देन आफ्टर रिएक्शन ये अगेन आपको एरोमेटिक कंपाउंड में मिल जाता है ये चीज मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ बट हमने क्या है देखो आप ये सारी चीजें आपको माइंड में होंगी आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको माइंड में होंगी बट जितनी चीजें आपसे वहां पूछी गई है आप उतन, उतना उतना बताइए क्योंकि देखो अगर आपसे गटरमैन कॉच बताई पूछा गया है तो आप गटरमैन कॉच की मैकेनिज्म वगैरह सारी चीजें बताइए ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं कि एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई पहले एरोमेटिक था देन एंटी हुआ देन अगेन एरोमेटिक हुआ ये तो आप आपको पता है क्योंकि आप जब वो चीजें पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही होंगी लेकिन जहां जो चीजें पूछी जाती हैं आप जस्ट वो चीज को एक्सप्लेन कीजिए इतनी चीज क्लियर है तो ये सी सिंपल सी आपकी गटरमैन रिएक्शन होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी तो अभी हम लेक्चर को यही फिनिश करेंगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय